प्रीमियर लीग 2017 के शुरुआत में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं और आईपीएल के इस नए सेगमेंट पे हम आईपीएल टीमों की कमजोरियां और ताकत के बारे में जानेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2016 के चैंपियंस हैं। डेविड वार्नर की कप्तानी वाली सनराइजर्स के कमजोर पक्ष की बात करें तो सनराइजर्स का मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर काफी कमजोर दिखाई पड़ता है, तो वही मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल के शुरुआती फेज से बाहर हो जाना सनराइजर्स के लिए एक बड़े परेशानी हो सकती है। सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी उनका सबसे मजबूत पक्ष है। प्रवीण तांबे, राशिद खान और मोहम्मद नबी की स्पिन तिकड़ी और क्रिस जॉर्डन, आशीष नेहरा और भुवनेश्वर कुमार की तेज गेंदबाजी सनराइजर्स की गेंदबाजी को काफी घातक बना देते हैं। सनराइजर्स के पास डेविड वार्नर, शिखर धवन और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी गेम को पलट सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल की कुछ चार्मिंग टीमों में से एक है। विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी के कमजोर पक्ष की बात करें तो मिचेल स्टार्क की कमी उन्हें हर वक्त परेशान करेगी। आरसीबी की गेंदबाजी में अनुभव की कमी है और ये उन्हें काफी हद तक कमजोर कर सकती है। विराट कोहली की प्रेजेंस आरसीबी का सबसे मजबूत पक्ष है। आरसीबी की बल्लेबाजी में क्रिस गेल, शेन वॉटसन और एवी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी हैं, तो वही गेंदबाजी में टाइमन मिल्स की गेंदबाजी से आरसीबी की मजबूती जरूर मिलेगी। शाहरुख खान की फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले 4 सालों से खिताब के प्रबल दावेदार रहे हैं। गौतम गंभीर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के कमजोर पक्ष की बात करें तो एंड्रयू रसेल की कमी से केकेआर को जरूर झटका लगा है। सुनील नारायण की इफेक्टिवनेस का कम होना भी केकेआर के लिए चिंता की बात है। केकेआर का मजबूत पक्ष उनकी बल्लेबाजी है। गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा और मनीष पांडे केकेआर को सॉलिड ओपनिंग देते हैं, तो वही यूसुफ पठान और क्रिस वोक जैसे सॉलिड ऑलराउंडर केकेआर को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। आईपीएल 2017 में ट्रेंट बोल्ट का केकेआर में आना उनकी तेज गेंदबाजी को जरूर बल देगा। आईपीएल 2016 का नया एडिशन रही गुजरात लायंस। आईपीएल 2016 में खिताब जीतते जीतते रह गए थे और प्लेऑफ से बाहर हो गए थे। गुजरात की कमजोरी उनका वीक बॉलिंग लाइनअप है। अगर गुजरात की बल्लेबाजी नहीं चलती है तो गेंदबाजों के लिए विरोधियों को संभालना मुश्किल हो जाता है। गुजरात लायंस का मजबूत पक्ष उनका विस्फोटक टॉप ऑर्डर है। जेसन रॉय, ब्रैंडन मैक्यूलम, ड्वेन स्मिथ और एरन फिंच जहां गुजरात के टॉप ऑर्डर को मजबूती देते हैं, तो वही सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, जेम्स फॉकनर जैसे ऑलराउंडर गुजरात लायंस की बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे अमीर टीम मुंबई इंडियंस के कमजोर पक्ष की बात करें तो मिडिल ऑर्डर का अहम मौकों पर क्लिक ना करना उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। कायरन पोलार्ड अपने करियर के लास्ट फेज में है और उनका फॉर्म में ना होना भी उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। मुंबई इंडियंस की बॉलिंग में मिचेल जॉनसन का एडिशन उन्हें मजबूती देता है। लक्षित मलिंगा, जसप्रीत बुमराह, हरभजन सिंह, करण शर्मा और पंड्या ब्रदर्स मुंबई को एक आत्मक गेंदबाजी लाइनअप प्रदान करते हैं। तो दिल्ली डेयर डेविल्स का आईपीएल इतिहास काफी निराशाजनक रहा है। आईपीएल के 10 साल के इतिहास में दिल्ली एक बार भी फाइनल तक नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली डेयर डेविल्स की कमजोर कड़ी की बात करें तो उनकी बॉलिंग उनके लिए चिंता का सबब होगी। मोहम्मद शमी चोट से जूझ रहे हैं और अगर वे नहीं खेलते हैं तो दिल्ली की मुसीबतें और बढ़ेंगी। दिल्ली डेयर डेविल्स में साउथ अफ्रीका के फॉरेन प्लेयर्स की संख्या सबसे अधिक है और साउथ अफ्रीकन प्लेयर इस दफा बीच में ही आईपीएल छोड़कर वापस अपने घर चले जाएंगे और उसके बाद दिल्ली की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। दिल्ली डेयर डेविल्स का मजबूत पक्ष उनकी बल्लेबाजी है। ओपनर और मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, करुण नायर और संजू सैमसन के अलावा मिडिल ऑर्डर में क्विंटन डीकॉक, जेपी डिमनी और सैम बिलिंग्स हैं, तो वही दिल्ली के पास कार्लोस ब्रेथवेट और क्रिस मॉरिस जैसे मजबूत ऑलराउंडर मौजूद हैं। पुणे बेस्ड फ्रेंचाइज राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स इस दफा स्टीव स्मिथ की कप्तानी में खेलेंगे। पुणे सुपर जायंट्स की कमजोरियों की बात करें तो उनका पेस बॉलिंग अटैक काफी कमजोर दिखाई पड़ता है। सुपर जायंट्स के पास बैकअप बॉलर्स और बैट्समैन की कमी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। पुणे सुपर जायंट्स के टॉप 6 बैट्समैन और स्पिनर इस दफा उन्हें कामयाबी दिला सकते हैं। अजिंक्य रहाणे, फाफ डू प्लेसिस, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, महेंद्र सिंह धोनी और बेन स्टोक्स जैसे हिटर के साथ सुपर जायंट इस दफा आरसीबी से भी मजबूत बल्लेबाजी के साथ उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वही रविचंद्रन अश्विन और एडम जेम्पा उनकी स्पिन गेंदबाजी को ताकत देंगे। किंग्स इलेवन पंजाब को इस दफा ग्लेन मैक्सवेल के रूप में एक नया कप्तान मिला है। किंग्स इलेवन पंजाब की कमजोरियों की बात करें तो पंजाब के पास कोई भी क्वालिटी स्पिनर नहीं है। अक्षर पटेल के फॉर्म में ना होने के कारण पंजाब की गेंदबाजी काफी कमजोर दिख रही है। किंग्स इलेवन पंजाब की बल्लेबाजी उनका सबसे मजबूत पक्ष है। शॉन मार्स, डेविड मिलर, ओइन मॉर्गन और ग्लेन मैक्सवेल के अलावा मार्कस स्टोनिस और डेरन सैमी किंग्स इलेवन पंजाब को बैलेंस प्रदान करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में इनमें से किस टीम को आप सपोर्ट करेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।